Run, 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 run. Sleep, sleep. Awake, sleep. Awake. Hello everyone. Welcome back to my channel, Nisha's Pathshala. Nisha's Pathshala. आज की वीडियो में एक ह्यूज थैंक यू से स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी YouTube फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स न्यू जुड़े हैं. एवरीवन वेलकम टू माय YouTube फैमिली, वेलकम टू निशास पाठशाला. आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. आपको इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस देती रहूंगी. सो वेलकम टू एवरीवन टू माय YouTube फैमिली. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोगों को वर्ड्स आने चाहिए, वो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो. और आप लोगों को पता है, मैं बच्चों को कुछ भी सिखाती हूँ या आप लोगों को कुछ भी सिखाती हूँ कि आप बच्चों को कैसे कुछ भी सिखा सकते हो, तो मैं आपको टीचिंग वे में मतलब बिठा के पढ़ाने वाले मेथड को बोलती हूँ बाद में करना. पहले उनको प्रैक्टिकली सिखाओ, उनको चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं. तो ऐसे ही आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने बच्चों को एक्शन वर्ड्स कैसे सिखा सकते हो. और मैं आपको कुछ 5 टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप अपने बच्चों को एक्शन वर्ड्स बहुत अच्छे से सिखा सकते हो. तो अगर आप टीचर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और अगर आप पेरेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो चलो करते हैं स्टार्ट. सीखते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के नहीं, नो 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 नो, पढ़ा के नहीं, प्ले वे में कैसे सिखा सकते हो क्या एक्शन वर्ड्स. देखो, हम लोग आजकल अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली अभी छोटे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ शैतानी मस्ती करते रहते हैं. उनको भी रहता है कि पेरेंट्स हमारे साथ टाइम स्पेंड करें. तो मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम बताऊंगी जिससे आप उनके साथ खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो, साथ साथ उनको बहुत कुछ सिखा भी सकते हो. लाइक एक्शन वर्ड्स जिन्हें जिससे उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ लर्न कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को चुपचाप बहुत कुछ सिखा सकते हो. कैसे, मैं बताती हूँ, वेट करो. वीडियो के एंड में मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिससे आप इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत सारे एक्शन वर्ड्स सिखा सकते हो. तो वीडियो को एंड तक देखना एंड समझना भी, जिससे कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत सारे न्यू वर्ड्स एक्शन वर्ड्स सिखा सकते हो. तो चलो करते हैं स्टार्ट. अब मैं आपको बताऊंगी आपको ये गेम अपने बच्चों के साथ कैसे प्ले करनी है, और इस गेम का नेम क्या है. इस गेम का नेम है लेट्स डू एक्शन. और अब आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक बॉल की जरूरत पड़ेगी. इसके अंदर मैंने कुछ स्लिप्स डाली हैं, और इन स्लिप्स के अंदर एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं. मैंने एक्शन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वर्ड्स. यॉन, पुश, ड्रिंक, रन. मैं बहुत सारी स्लिप्स हैं, मैं इनका जो है ये सारे वर्ड्स आपको वीडियो के लास्ट में एंड में डाल दूंगी. ऐसे आपको कुछ वर्ड्स इसके अंदर डालने हैं. ज़रूरी नहीं है जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं आप भी वही वर्ड्स लिखिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स डाल सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपको प्ले कैसे करना है, और आप प्लीज़ ये वाली गेम प्ले करना, इससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे. इसको हमने एक स्लिप निकाली, इसमें फर्स्ट आया यॉन. इसमें अब बच्चों को आपको बोलना है, एक न्यू वर्ड सीखा बच्चों ने, यॉन कैसे करते हैं, यॉनिंग करनी है बच्चों को. एक्शन. अब फिर इसको आप अलग से रखेंगे, फिर बच्चों को बोलेंगे अच्छा वर्ड निकालो, पुश. पुश एक्शन करना है, बच्चों को बोलो चलो एक्शन करके दिखाओ पुश का. पुश, ठीक है, ये बच्चे ने एक्शन सीखा साथ में वर्ड सीखा. नेक्स्ट इज ड्रिंक, बच्चों को बोलना है ड्रिंक है, तो बच्चों को एक्शन करना है ड्रिंक. नेक्स्ट इज रन, तो बच्चों को बोलना रनिंग करके दिखाओ. एक्शन है इसमें, तो आप थोड़ा सा बच्चों को बोल सकते हो कि रन करके दिखाओ. फिर हम बच्चों को बोलेंगे इसमें से एक स्लिप निकालें, बच्चे स्लिप निकालेंगे राइट. राइट, तो बच्चों को आप बोल सकते हो कि वो एक्शन करें, या तो वो सच में जो राइट करते हैं वो भी बोल सकते हो कि वैसे भी वो लिख के दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट. फिर बच्चों को बोलेंगे स्लिप निकालें वॉक,
उनको बोलो वॉक करके दिखाएं, ठीक है। तो बच्चे इनसे क्या सीख रहे हैं, न्यू एक्शन वर्ड सीख रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि वो एक्शन वर्ड्स या कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज स्लीप अवेक, स्लीप अवेक, बच्चों को बोलो एक्शन करके दिखाएं। तो ये गेम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहो तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से करेंगे और एक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से उनको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये गेम प्ले करके बच्चों का एक कॉन्सेप्ट बहुत ही प्ले वे में क्लियर कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 5 टिप्स दूंगी कि आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर सकते हो, तो लेट्स स्टार्ट, आपको देते हैं 5 टिप्स। टिप नंबर वन है कि आप अपने बच्चों को एक्शन वर्ड सिखा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको कितने वर्ड्स लेने हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी आप 20 से 25 वर्ड्स लो पर मंथ के लिए, ठीक है। वो आपको खुद लिस्ट बनानी पड़ेगी कि अच्छा ये वर्ड्स हम लेंगे और वो बच्चों को क्लियर करना वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो यू हैव टू मेक लिस्ट फर्स्ट, आपके माइंड में भी क्लियर हो ये वर्ड्स हैं और बच्चों को भी क्लियर हो ये वर्ड्स हैं। चलो अब हम टिप नंबर 2 देखते हैं। टिप नंबर 2 में आपको बच्चों के साथ एक्शंस करने हैं, क्योंकि जितना आप बच्चों के साथ एक्शंस करोगे बच्चा उस चीज को कैच करेगा। अच्छा उसका मीनिंग उसको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आप एक्शन करोगे तो उसको मीनिंग समझ आएगा, वो भी सेम एक्शन रिपीट करेगा। तो टिप नंबर 2 है, आप हमेशा बच्चों के साथ कोई भी एक्शन वर्ड्स ले रहे हो, एक्शन वर्ड्स में क्या करना है आपको एक्शन करके दिखाने हैं, लाइक ड्रिंक, ड्रिंक, बार बार बोलो ड्रिंक, वॉक, रन, अवेक, स्लीप। तो आप कुछ भी एक्शन वर्ड्स ले रहे हो तो यू हैव टू डू एक्शंस, क्योंकि आप जो करोगे आपका बच्चा तो वही करेगा ही करेगा। चलो अब टिप नंबर 3 देखते हैं। टिप नंबर 3 है, जो भी आप वर्ड्स ले रहे हो उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करो, बार 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 रिपीट करो उन वर्ड्स को, और ऐसे वर्ड्स लो जो उनकी डेली लाइफ में हो। प्रैक्टिस कराओ बच्चों को उन वर्ड्स की एवरी डे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करानी है एवरी डे उन वर्ड्स की, कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस बोलो जिनमें कि वो वर्ड्स यूज हो सके। ये थी टिप नंबर 3। अब देखते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है, आप स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स लो जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनका मीनिंग बच्चों को पता अपने आप लग जाएगा। जब आप उनको एवरीडे यूज करोगे और डेली लाइफ में वो वर्ड्स यूज होंगे तो आप उनको अच्छे से और ज्यादा क्लियर कर सकोगे, लाइक ड्रिंक, पॉर, पुश, पुल, रन, स्टॉप, ये सब क्या है, डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स लो जिससे बच्चा उनको जल्दी से कैच करे और जो डेली लाइफ में आपके वर्ड्स यूज होते हो, ठीक है। तो ये थी टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 है कि वर्ड्स को जितना हो सके उतना रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बार 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 बच्चा जब उस वर्ड को सुनेगा 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 तो अपने आप ही वो कैच कर लेगा। बार 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 कोई चीज़ हम सुनते हैं तो हम उसको जल्दी कैच करते हैं, तो आप भी बच्चों को बार बार वो वर्ड्स रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, जिससे कि वो अच्छे से जल्दी कैच कर लेगा। ये थी टिप नंबर 5। देखा ना आपने कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी गेम थी, जिससे कि आपके बच्चों का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हो सकता है। बच्चे हमेशा प्ले वे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हम यही कॉन्सेप्ट उनको नोटबुक पे पेंसिल के साथ समझाते तो वो शायद नहीं इतना समझ पाते जितना कि हम उनको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देके या प्रैक्टिकली करा के सिखा सकते हैं, और वो भी स्पेशली गेम के नाम पे, क्योंकि गेम के नाम पे बच्चों को कुछ भी खिला सकते हो आप, कुछ भी लर्न करा सकते हो आप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय, टेक केयर।